तो स्वागत है आप सबका फिर से माइकल बिटवाई टेक में। दोस्तों आप सबको पता है सभी यूट्यूबर YT स्टूडियो एप्लीकेशन यूज़ करता है, तो कई लोग YT स्टूडियो एप्लीकेशन को अच्छी तरह से इसके बारे में पता होता है, नॉलेज होता है, लेकिन कोई लोग इसके बारे में नॉलेज नहीं होता है। तो मैं आज वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसे अपनी जो वीडियोस जो आप अपलोड करते हैं, चाहे एक साल पुराने हो, चाहे जितने भी पुराने हो या फिर नई हो, तो आप जितना व्यूज़ सबसे ज़्यादा हाईस्ट व्यूज़ वाली वीडियो को आप इकट्ठा आप कैसे देख सकते हैं मोस्ट व्यूड वीडियोज़ को। तो इसमें आपको पता चल जाएगा, अगर आपको एक एक करके आपको देखने के लिए परेशान हो जाते हैं तो आपको पता चलने वाला है कि YT स्टूडियो में आप मोस्ट व्यू वाली वीडियो आप कैसे चेक कर पाएंगे। ओके दोस्तों, तो बने रहिए मेरे साथ वीडियो को अंत तक देखते रहना, वीडियो बहुत ही छोटी सी है और बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, आपको जानकारी मिल जाएंगे। तो चलिए दोस्तों मैं इस एप्लीकेशन को ओपन करता हूँ, YT स्टूडियो को मैं यहाँ पर ओपन कर दिया। ओपन करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर इस तरह से इंटरफेस खोल लिया है। सबको पता है कि ये YT स्टूडियो क्या होता है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर वीडियोज़ में नीचे आपको देखेंगे व्यू मोर, आपको व्यू मोर पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर क्लिक किया मैंने, उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर पूरा जितना भी आपकी चैनल की जितना भी आप वीडियो अपलोड किया है वो यहाँ पर पूरी की पूरी शो हो गया है। तो आपको देखना है कि कौन सी वीडियो में सबसे ज़्यादा व्यूज़ है। तो मैं पहले क्या करता था, कौन सी वीडियो में व्यूज़ है वो चेक करने के लिए मैं स्क्रॉल डाउन करके एक एक करके देखना पड़ता था, चाहे जितनी लंबी वीडियो हो लास्ट तक एक एक करके देखना पड़ता था। तो अभी क्या हो गया, मुझे पता चल गया है कि कैसे अपनी जो व्यूज़ मोस्ट व्यूज़ वाली वीडियो, चाहे जितनी भी पुरानी वीडियो हो, वो चल रही है, रैंकिंग में है या फिर बहुत ही ज़्यादा व्यू आ रहा है। तो जितना भी पुराना व्यू होगा वो ज़्यादा व्यूज़ वाले, जितना भी पुराना वीडियो होगा ज़्यादा व्यूज़ वाले टॉप में आएंगे। तो कैसे आपको देखना है, आप देखिए यहाँ पर सभी नया पुराना सब मिक्स है, मतलब जितना नया नया डालते जाएंगे सबसे ऊपर ही आते जाएंगे और ज़्यादा व्यू वाला सबसे नीचे रहेंगे, या फिर बीच में भी आ सकता है, जो ज़्यादा व्यूज़ वाले हैं वो वीडियो को बीच में भी हो सकता है, तो आपको पता नहीं चलता है। तो इसलिए आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिए मोस्ट रिसेंट, इसकी राइट साइड में यहाँ पे थ्री लाइन है, ठीक है, ये थ्री लाइन पे आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर दो ऑप्शन आपको मिल जाएंगे, मोस्ट रिसेंट जो अभी मैंने देख रहा था ये मोस्ट रिसेंट है, और मोस्ट व्यूड पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जितना भी मेरा ज़्यादा व्यूज़ हाईस्ट व्यूज़ वाली वीडियो है वो टॉप में आ गया है। देख सकते हैं ये बहुत ही पुरानी वीडियो है, कोटक ATM पिन के बारे में मैंने वीडियो अपलोड किया था, तो आज के दिन में ये 32,000 पहुंच गया है, 610 पहुंच गया है, ठीक है। इसी तरह आप, ये पुरानी वीडियो है, नई वीडियो में इतना व्यूज़ नहीं आती फिलहाल, तो ये पुरानी वीडियो में इस तरह से चल रहा है ये मुझे पता चल गया है। मैं पहले बहुत ही परेशानी होते थे तो अभी पता चल गया, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि शायद आप भी ऐसे होंगे जो मोस्ट व्यू वाली वीडियो आप देखना चाहते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इस तरह से आ गया है मोस्ट व्यूड वाला पेज। तो देखिए यहाँ पर बहुत ही पुराने पुराने वीडियो ऊपर आ गया है आज के दिन में, ये देखिए ये थर्ड पोजिशन में है, हाउ टू कैंसिल इंडिगो फ्लाइट टिकट, ये बहुत ही पुरानी वीडियोज़ है, मैंने जब चैनल स्टार्ट किया था शायद 6-7 महीना के आसपास हो गया, ये वीडियो आज थर्ड पोजीशन में है, ठीक है। इस तरह से आप पुराने वीडियो जितना भी व्यूज़ आते हैं वो इस तरह से चेक कर सकते हैं। तो देखिए सबसे हाईस्ट वाला ऊपर होंगे, उसके बाद कम वाला नीचे, इसके बाद कम कम नीचे नीचे, इस तरह से आप आसानी से चेक कर पाएंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आ गया होगा, अगर पसंद आ गया तो थोड़ा सा भी ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा तो एक लाइक कर दीजिए, और मेरे चैनल पर नहीं आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में इस तरह की जानकारी की वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।